नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। जब भी हम सूक्ष्म जीवों अथवा कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो उस हेतु हमको एक महत्वपूर्ण उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कीमती उपकरण है। हमारे समस्त माध्यमिक विद्यालयों में सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं से संबंधित अनेक पाठ हैं, जिसमें हमको इस महत्वपूर्ण उपकरण की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा यह प्रदत्त भी किया गया है। यह उपकरण विद्यालय के उपकरण से थोड़ा सा भिन्न है, यह सूक्ष्मदर्शी जो है, फिर भी उन दोनों के कार्य प्रणालियाँ लगभग लगभग बराबर हैं। आप इसमें देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसको पकड़ के उठाया है, इसे इसकी भुजा कहते हैं। इसका निचला हिस्सा यू आकार का है और यह भारी लोहे से बना हुआ है, जो इसको स्थिर रखता है। विद्यालय में जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके इस स्थान पर एक दर्पण लगा रहता है, जिसे घुमा करके प्रकाश को ऊपर फोकस किया जाता है। सबसे पहले इसके भागों के बारे में जानते हैं। यह इसकी भुजा है, यह इसका आधार है, यह नीचे यह एक प्रकाश स्रोत है, इसके भीतर बैटरी व बल्ब लगा हुआ है। विद्यालय में जो उपकरण होता है, इस स्थान पर उसका दर्पण लगा होता है। ऊपर एक कंडेंसर लगा हुआ है, जिसकी सहायता से प्रकाश की मात्रा को कम या अधिक किया जा सकता है। इसके ऊपर आप ये गोलाकार हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम स्टेज अथवा मंच कहते हैं। कुछ सूक्ष्मदर्शियों में यह चौकोर भी होता है। इसके ऊपर में यह आप ध्यान से देखिए, ये क्लिप लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से स्लाइड को इसमें स्थिर किया जाता है। उसके ऊपर आप इसके अत्यंत महत्वपूर्ण भाग को देख पाएंगे। ये इसका आप देख सकते हैं, इसको इसका नोज पीस कहते हैं। इसके अंदर, इसके चारों तरफ जो है, ये आप देख सकते हैं, इस ये जो लगा हुआ है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यह मुख्य आवर्धक का काम करते हैं। जो जिस वस्तु को हम देख रहे होते हैं, उसका आकार को ये कई गुना बड़ा करके हमको दिखाते हैं। प्रायः दो अथवा तीन ऑब्जेक्टिव लगे होते हैं किसी भी सूक्ष्मदर्शी में। आप देख रहे हैं, इसके ऊपर का यह जो हिस्सा है, यह इसका बॉडी ट्यूब कहलाता है, और इसके ऊपर यह नेत्रिका कहलाता है। नेत्रिका के ऊपर में भी एक लेंस लगा रहता है। यह नेत्रिका के ऊपर एक लेंस लगा हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर में इस तरह से लगा देते हैं और देखते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। यह इसका जो नोज पीस है, इसको हम नोज पीस कहते हैं, इसको घुमाया जा सकता है। आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से हम घुमा सकते हैं। इसको घुमा करके हम जो है, इसकी आवर्धन क्षमता को कम अथवा अधिक कर सकते हैं। इसके बाद ये ऊपर कुछ आपको चक्के की तरह स्क्रू दिखाई देते होंगे, ये नीचे भी कुछ स्क्रू दिखाई देते होंगे। ये नीचे में ये जो दो स्क्रू लगे हुए हैं, इसकी सहायता से जब हम इसको घुमाते हैं तो मंच पर लगी स्लाइड, इसको घुमाते हैं तो मंच की में लगी स्लाइड जो है दाएं बाएं की ओर आती जाती है, और जब हम इस स्क्रू को घुमाते हैं तो मंच पर लगी स्लाइड जो है वो आगे पीछे घूमती है या आगे पीछे गति करती है। इसके ऊपर में यह जो स्क्रू लगा हुआ है, इसको जब हम इस तरह से घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं, इससे यह जो बॉडी ट्यूब है, यह ऊपर होती है। आप देख पा रहे होंगे, ऊपर हो रही है। जब उल्टा घुमाते हैं तो यह बॉडी ट्यूब नीचे जाती है। ऊपर नीचे इस तरह से हम इसको घुमा सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे, नोज पीस को घुमा करके हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव को हम हमारे जो वस्तु है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। इसमें आप यह अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा पास ले रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। यह जो नोज पीस है, नोज पीस में दो या तीन ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। सर्वप्रथम है इसमें, देखिए ये इसमें 10x लिखा हुआ है, और इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें 45x है ये वाला, और अंतिम यह जो बड़ा है, जो अभी नीचे है, इसमें 100x लिखा हुआ है, और यह जो इसकी नेत्रिका है, यह 10 गुना बढ़ाने वाली है। जब हम ये 10x का हम इसके नीचे रहता है 10x का ऑब्जेक्टिव, तब यह सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को 100 गुना बड़ा आकार करके बताता है। जब इसमें 45x का ये लगा होता है,
45 एक्स को जब हम इसके नीचे में इस तरह से सेट करते हैं तो यह 450 गुना बड़ा करके बताता है। साथ ही यदि हम 100 एक्स का हम प्रयोग करते हैं तो यह 1000 गुना किसी वस्तु के आकार को बड़ा करके बताता है। 100 एक्स का यह जो है इसको देखने की विधि थोड़ी सी अलग है। आयल इमर्सन लेंस कहते हैं इसे। इसे एक इमर्सन आयल के सहारे देखा जाता है। हम ऐसे ही सामान्य रूप से इसका प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही यह इसकी नेत्रिका है। इसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से घुमा सकते हैं। यह तो हो गया सूक्ष्मदर्शी और उसके द्वारा हम जो है प्रयोग करते हैं किस तरह से, इसको हमने आपके सामने बताया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि किसी वस्तु को हम इसमें किस तरह से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के अतिरिक्त जब हमको कोशिकाओं का अध्ययन करना रहता है तब हमको यह एक वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। यह कांच की एक पट्टी है जिसे हम स्लाइड कहते हैं। स्लाइड के अलावा हमको और भी कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यह देखिए, यह ग्लिसरीन है। यह सामान्य ग्लिसरीन है जिसे सर्दी के दिनों में हम जो है हाथ पैरों में लगाते हैं। यह कोशिका को जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं अध्ययन के दौरान यह उसे सूखने से बचाती है। साथ ही कई कोशिकाएँ क्या होती हैं, पारदर्शी होती हैं जिसके कारण हम उसके कोशिकांगों को अलग अलग समझने में या पहचानने में परेशानी होती है। इसके लिए हमें रंग की आवश्यकता होती है। ये रंग है, वैसे मैं सामान्य रंग का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। वास्तव में इसके जगह में अधिक उच्च कक्षाओं में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके लिए सेफ्रेनिन, लाइट ग्रीन जैसे वर्णकों की आवश्यकता होती है। साथ ही हमें ब्लेड, ब्रश इत्यादि वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह एक इस तरह की डिब्बे में आती है जो कांच की छोटी छोटी पट्टियां होती हैं, बहुत ही बारीक पतली वर्गाकार पट्टियां जिसे हम कवर स्लिप कहते हैं। कांच की दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, एक यह होती है स्लाइड और यह होती है कवर स्लिप। जब भी हमको किसी वस्तु का अध्ययन करना होता है तो हम उसको सर्वप्रथम पतले पतले काट में काट लेते हैं। यह जैसे आलू है, आलू का एक छोटा टुकड़ा लिया मैंने, जैसे हमें आलू की कोशिकाओं का अध्ययन करना है। मैं प्याज भी ले सकता था परंतु प्याज के कोशिकाओं का अध्ययन इतना सामान्य है कि मैंने आलू का चयन किया। सर्वप्रथम हम आलू को इस तरह से इसके टुकड़ों में काट लेते हैं और एक पतली पतली इसके टुकड़े, बहुत ही पतले पतले टुकड़े हम इसमें काटते हैं। और ये पतले टुकड़े को हम क्या है, सुई की सहायता से हम इसमें थोड़ा सा रंग में इसको हम डाल देते हैं। यह एक, ये मैंने रंग में इसको डाल दिया है और रंग में डालने के पश्चात इसको जो है मैंने फिर से एक बार साफ पानी में इसको मैं धो रहा हूँ। इसको मैं साफ पानी में धो रहा हूँ। साफ पानी में ये जब पूरी तरह से धुल जाएगा, कभी कभी रंग अधिक रंग जाने से भी कोशिकाओं की संरचना स्पष्ट नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने इसके धो दिया है। और धोने के पश्चात मैं जो हूँ इसको स्लाइड में रख रहा हूँ और स्लाइड में मैंने इसे इस तरह से रख दिया। स्लाइड में रखने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसमें एक बूंद ग्लिसरीन डालते हैं ताकि अध्ययन के दौरान यह कोशिका सूख न जाए। इसके पश्चात मैं इसके ऊपर में कवर स्लिप रख दूंगा। कवर स्लिप रखने के दौरान हमको एक बात की सावधानी रखनी पड़ती है कि इसमें वायु के बुलबुले न बने, अन्यथा ये वायु के बुलबुले भ्रम पैदा करते हैं। कई बार हमें लगता है कि यह कोई कोशिकांग है जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसके ऊपर हम जो है कवर स्लिप को इस तरह से रख देते हैं और कवर स्लिप को रखने के पश्चात यह जो है आप देख रहे हैं इस मंच पर मैं इस स्लाइड को रखूंगा। स्लाइड को मंच पर आपको दिखाई ना देगा इसलिए मैं थोड़ा सा, मंच पर मैंने स्लाइड को रख दिया और कवर स्लिप को रख दिया। इस तरह से हम इसको रख के सेट कर देते हैं। क्लिप को मैं इसमें लगा दे रहा हूँ जिसकी सहायता से ये न गिरे। यदि आप विद्यालय में स्थित विद्यार्थी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर दर्पण को सेट करके इस तरह सेट करते हैं कि उसका अधिकतम प्रकाश जो है जिस वस्तु को हम यहाँ पर रखे हैं उस पर पड़े। और चूंकि यह विद्युत चालित है इसीलिए मैं इसको बैटरी ऑन कर रहा हूँ और प्रकाश जो है ये इसमें पड़ने लगी है हमारी वस्तु पर। और इसके पश्चात हम इसे इस तरह से देखना प्रारंभ करते हैं। यह आलू के अंदर की संरचनाएं, इसमें आपको जो गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में कोशिकाएं नहीं हैं, ये इसके लवक हैं जिसके भीतर जो है स्टार्च भरा रहता है। और
ये रंग में रंगे हुए आपको दिखाया जा रहा है। पत्तियों की कोशिकाओं में इनमें क्लोरोफिल भरा रहता है, जिसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इन्हें लवक कहा जाता है। ये 100 गुना अपने मूल आकार से आवर्धित प्याज के छिलके की कोशिका है। ईंटनुमा संरचना आप देख सकते हैं, किनारे में दो बुलबुले भी दिखाई दे रहे हैं। यह 450 गुना बड़े हुए आकार में प्याज के छिलके की कोशिका है। आप इसे ध्यान से देख पाएंगे। किसी जीव के कोशिकाओं के अध्ययन के अतिरिक्त यदि हम किसी सूक्ष्म जीव का, शैवाल का, इस प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तब हमको जो है कभी भी रंग की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है और कभी कभी आवश्यकता पड़ती भी है। उस समय में हमको उसकी काट काटने की आवश्यकता नहीं होती। कोई सूक्ष्म जीव है या जल में रहने वाला जीव है तो उसको हम सीधे एक बूंद पानी का के साथ उस जीवित वस्तु को इसमें रख देते हैं और इसके अलावा इसके ऊपर में एक कवर स्लिप ढक देते हैं और उसको जो है हम इस सूक्ष्मदर्शी में इस तरह से लगा करके हम देखते हैं। एक बात का हमें ध्यान रखना आवश्यक है, यह भारी उपकरण होता है, अतः सावधानी से उठाना चाहिए ताकि यह गिर करके टूट न जाए। एवं इसके अलावा जब भी हम इसमें देखते हैं तो हमको कवर स्लिप अवश्य लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम इसको देखते हुए इस तरह से घुमाते रहते हैं तो हमारा यह जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वह कई बार स्लाइड को छू जाता है। इस स्थिति में यदि हम यहाँ पर कवर स्लिप नहीं लगाए हैं तो गंदे पानी से या जो भी वस्तु नीचे रखी हुई है उससे हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो छुएगा और उससे लेंस के खराब होने की संभावना अधिक हो जाएगी। अतः कवर स्लिप लगा कर ही देखना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों की झलक। मैं आ गया हूँ एक खेत में जिसमें बहुत दिनों से पानी इकट्ठा है। आइए इसके अंदर हम देखते हैं। यह जो काई, आप जिसे हम सामान्य रूप से काई कहते हैं, देख सकते हैं आप, इसे एनाबिना शैवाल कहा जाता है। और आप ध्यान से देखिए इसे, यह जो झागनुमा संरचना दिखाई दे रही है यह एनाबिना शैवाल है। इसके भीतर यदि हम नीचे देखें यह रेसेनुमा संरचना, यह उडोगोनियम है। और भी इसके भीतर कई सूक्ष्म जीव होंगे। आइए इनका सैंपल इकट्ठा करके लेकर के हम जो है देखते हैं। हम पानी लेकर के पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर। आइए इस जल को एक सुई की नोक के बराबर इतना सा शैवाल का एक टुकड़ा इसमें हम रख देते हैं और पानी की कुछ बूंदें हम इसमें रख देते हैं। इसमें ग्लिसरीन अथवा किसी प्रकार के रंग की आवश्यकता नहीं है। सीधे हम इसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं और सूक्ष्मदर्शी में रख करके इसका अध्ययन करते हैं। देखें इसमें क्या क्या दिखाई देता है। आइए देखते हैं पैरामीशियम, यह चप्पल के आकार का एक कोशिकीय जंतु अपने मूल आकार से 100 गुना आवर्धन में दिखाई दे रहा है और इसके आसपास बहुत छोटे छोटे अन्य कण आपको गति करते हुए भी और स्थिर दिखाई देंगे। किनारे में एक युगलिना, यह रहा युगलिना क्लोरोप्लास्ट युक्त जो तेजी से गति कर रहा है। पौधे एवं जंतु दोनों के एक एक गुण इसमें हम आपको अभी दिखा सकते हैं। यह एक बहुकोशिकीय जंतु या कोई अन्य जीव है जो बीच में कैमरे के सामने आया है। इसके पश्चात आइए देखते हैं एक और जंतु जो क्लोरोप्लास्ट युक्त है, साथ ही गतिशील भी है। यह कौन सा जीव है पहचान मैं नहीं पा रहा हूँ। इसके पश्चात आप थोड़ी देर में पैरामीशियम को देख पाएंगे। आपने भी कभी पढ़ा होगा या कभी सुना भी होगा इसके बारे में। ये थोड़ी देर में मैं फोकस कर रहा हूँ पैरामीशियम पर। यह चप्पल के आकार का यह जंतु अभी सामने दिखाई दे रहा है। चारों तरफ इसके सीलिया होते हैं जिसके माध्यम से यह गति करता है, किंतु इतने आवर्धन में हम इसे ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। यह अपने मूल आकार से 450 गुना आकार में दिखाया जा रहा है। चप्पल के आकार का जंतु, एक लंबे आकार का केंद्रक और कुछ रिक्तिकाएँ इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी और इसके अंदर के कोशिकांग यदि आप पहचान सकें कुछ कुछ इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। और यह चारों तरफ जो है सिलिया जो इसके पाए जाते हैं इसमें यह चक्राकार अपने स्थान पर घूमता हुआ। मैंने पैरामीशियम इससे पहले ठीक से नहीं देख पाया था, आज मैं भी देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। नीचे एक कोई बहुकोशिकीय जंतु है जो इसके नीचे से गुजर रहा है। इस प्रकार पानी की एक छोटी सी बूंद में हम जो है अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख पा रहे हैं। यह कौन सा जंतु है मुझे तो लगता नहीं कि यह जंतु है। मैं जितनी देर से देख रहा हूँ मुझे लगता है कि यह शैवाल का कोई
युग्मक है जो निषेचन हेतु बाहर आया है। यह देखिए, इससे वह जुड़ने के लिए आ रहा है, उससे कुछ युग्मक जो है निकल रहे हैं और आ करके इसमें ये भविष्य में जुड़ेंगे। इसके ऊपर में भी आप एक जंतु को गति करते हुए देख सकते हैं जो आगे पीछे ऊपर नीचे गति कर रहा है। इतना छोटा आकार, और मैं इतना अध्ययन तो नहीं किया हूँ कि इसे पहचान सकूँ। ओडोगोनियम है यह मेरे विचार से, जिसके तंतु मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 450 गुना आवर्धित रूप में, जिसमें शिशु तंतु निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें गोल कोशिकाएं प्रजनन हेतु तैयार आपके सामने दिखाई दे रही हैं। यह जो है एक युवा तंतु है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये कोई कीड़े नहीं हैं बल्कि शैवाल हैं, और मेरे विचार से ये एनाबिना होना चाहिए। धन्यवाद।